भारत संकल्प यात्रा जो है ये एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान भर में, हर जगह, हर पंचायत हलके और हर वार्ड में जा जा के एक्चुअली उन लोगों तक पहुंचना है जहां तक अभी तक जो गवर्नमेंट है वो नहीं पहुंच पाई है। कहीं पे गैप्स है तो उन गैप्स को फिल करना है। जितने भी प्रोग्राम्स है, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है या यूटी गवर्नमेंट की चल रही है, उनमें कहीं पे अगर कोई गैप है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको इंस्टेंस के लिए बताऊं कि यहाँ पे पुलवामा ज़िला में हमारी जो गोल्डन कार्ड सर्कुलेशन है वो 100% है। इसी तरह PMAY जो हमारी आवास योजना है वो सैचुरेट हो गई है। अगर हम 2018 के सेंस मतलब जो सर्वे की बात करें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे हमारे पास एप्लीकेशंस आई है कि वो 2018 सर्वे में नहीं थे लेकिन मुस्तहक है मकान के लिए, तो उन लोगों को टैप करना, उन लोगों तक जाना और उनके जो है उनको रजिस्टर करना, ये इसका मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जितने भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं अभी तक हुआ क्या है और क्या होना बाकी, तो उसके मुतालिक भी कि अभी तक जितने भी स्कीम्स चल रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स या यूटी लेवल स्कीम्स जितने भी हैं, तो उनके मुतालिक देखना है कि हम कहां तक पहुंच पाए और हमारा जो टारगेट है वो 100% सैचुरेशन है। तो उस सिलसिले में भी जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है तो इसका पर्पज़ एक और